आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल सोने के भाव मिलेंगे क्योंकि स्कार्सिटी बढ़ने वाली है। ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया जो है वो बढ़ रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और भारत में जो इसका रेवोल्यूशन चल रहा है उसे देखते हुए दूसरे देश भारत से मदद लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इजिप्ट देश ने रिन्यूएबल एनर्जी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारत का हाथ थाम लिया है। तो बात यह है कि इजिप्ट ने इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिन्यू एनर्जी के साथ एक MOU साइन किया है टू बिल्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री। MOU के अकॉर्डिंग हमारी इंडियन कंपनी स्टार्ट करेगी फिजिबिलिटी स्टडी वहाँ पर नए प्लांट के प्रोडक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में रिन्यू इन्वेस्ट करेगा $8 बिलियन प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने के लिए, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी 20,000 tons टू जनरेट ग्रीन हाइड्रोजन। प्रोजेक्ट दो फेज में बटा हुआ है, जिसमें पहला जो पायलट फेज है वो एक्सपेरिमेंटल होगा, जहाँ पर प्रोड्यूस होगी 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। सेकेंड फेज में कैपेसिटी इंक्रीज होगी 2,00,000 टन तक, जिसके बाद टोटल कैपेसिटी जो है वो 2,20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की होगी। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये बनता है वाटर से, जहां हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने से बाय यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। अब आखिर कहां कहां ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है ये भी आपको बता देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एज फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री जैसे केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री, ग्रीन हाइड्रोजन इन डोमेस्टिक यूज। अब जरा भारत पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अप्रैल में OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में देश का पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया। कुछ समय पहले रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे थे, जिसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन ने स्पीड पकड़ना शुरू किया है। हालांकि आपका इस पर क्या विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए पावर टॉक्स।